जिनके बेटे ने कर दिया कमाल और आज पूरा विश्व हिंदुस्तान की ओर देख रहा है। मुख्य आकर्षण हमारे बीच बहन प्रिया जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो आज किसी नाम की मोहताज नहीं है, प्रिया जी। इन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। मैं आज उनका सभी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रिया जी ने बताया था कि किस प्रकार महिलाओं को अपनी बॉडी बनाने के लिए पुरुषों से 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आज उसी का परिणाम है कि हमारे बीच में प्रिया जी ने शान और गौरव का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। मैं सभी यहाँ पे जो उपस्थित बालिकाएं हैं, सभी से कहूंगी कि इनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश का, भारत देश का नाम रोशन करें। आज प्रिया जी हम सबके बीच में हैं, उनका पुनः मैं ढेरों स्वागत अभिनंदन करती हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। बेटी और बहन प्रिया सिंह जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेके ऊपर सभी मंचस्थ अतिथिगण, सामने विराजमान युवा साथियों, मातृशक्ति, मैं यही कहूंगा कि इंसान की अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो ऐसा कोई काम नहीं है जो संभव नहीं हो सके। ये हमारी बहन प्रिया सिंह जी ने करके दिखाया है। इसीलिए युवाओं से, मैं सभी बच्चियों से आग्रह करूंगा, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप काम करें और हमारे सरदार सर की पूरी जनता की तरफ से और सरदार सर का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं मेरे समस्त पार्षदों की तरफ से, सरदार सर के सभी जनता की तरफ से बहन प्रिया सिंह जी का तय दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद। नववर्ष के शुभ आगमन पर आप सभी का स्वागत। सम्मानित मंच, बहन प्रिया सिंह, वंदना जी एवं सभी उपस्थित, आज इस महाविद्यालय के लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसा सुनहरा अवसर जो भाई हंसराज ने यहाँ लाकर रखा। बहन प्रिया सिंह, देखिए नारी का सम्मान हमेशा से हमारे भारतवर्ष में होता आया है, लेकिन नारी मीडिया नहीं होती तो आज मैं, मुझे कोई नहीं जानता। और एक और बताऊँ, आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का मतलब ही होता है बॉडी में जोश, और जोश का मतलब होता है बॉडी में लिंग। एक महिला की एज हो सकती है, एक स्टूडेंट बुजुर्ग हो सकता है, पर एक एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन कभी बूढ़ा नहीं होता। तो रेगुलर में एक्सरसाइज करनी चाहिए और परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मेरी भी रही है, आज 7 साल हो गए मुझे बॉडी बिल्डिंग में। आप लोगों को अभी पता चला मैं ऐसे ऐसे दौर से गुजर हूँ जो शायद सोच भी नहीं सकते। एक टाइम में ऐसा था कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, पॉकेट में 1 ही रुपये, कैसे तैयारी करें। आप जैसे भाइयों ने, बहनों ने साथ दिया, उस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। कर्जा कभी नहीं देखना, कोशिशें हमेशा अलग लाती है। चैलेंज खुद को करो,
दूसरे को कभी चैलेंज मत करो। मुझे लोग चैलेंज करते थे, वो आज लोग नहीं है। मैं खुद को चैलेंज करती थी तो मैं आप लोगों के सामने हूँ। देखो बेटा बेटी एक समान है, जेंडर बदलने से मानसिकता नहीं बदलती। और ये फील्ड मैंने इसलिए चुना कि मैं बेटा बेटी में सोच को फर्क खत्म कर सकूं। और बेटा बेटी एक समान है, कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मर्दों का गेम है, मर्दों का गेम होता तो मैं औरत यहाँ क्या करती। आज तक राजस्थान से कोई भी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड नहीं लाया, मेल भी नहीं लाया। मैं पहली लड़की हूँ जो इंटरनेशनल में बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल लेके आई। अपने हौसलों की उड़ान ऊपर आसमान में रखिए, सफलता आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगी। अक्सर पिता बेटों के नाम से जाने जाते हैं, अभी देखा मेरे पापा किसके नाम से जाने जाते हैं। खुद को ऐसा बनाइए कि बाप पिताजी बेटियों के नाम से भी जाने जाए। थैंक यू।